नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज है दिन रविवार का और रविवार को कुछ जरूरी सवालों के जवाब देने की मैं वीडियो के माध्यम से करता हूं कोशिश। आपके बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो भी मेरी प्राइवेटेशन की वीडियो आती है बैंक प्राइवेटेशन की, तो बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स मेरे पास आ जाते हैं, तो उन्हीं के आंसर मैं वीडियो के माध्यम से देने की करता हूं कोशिश। वैसे अमूमन मैं बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस के आंसर दे चुका होता हूं, लेकिन कुछ जरूरी कमेंट्स के आंसर रह जाते हैं तो वीडियो के माध्यम से मैं सोचता हूं कि एक वीडियो बना दी जाए। आज छुट्टी का दिन है, मार्केट्स में बंदी रहता है तो समय मिल जाता है वीडियो बनाने का, आपके सवालों के आंसर देने का। तो चलिए दोस्तों अपने आज के इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले कल मैंने एक IDBI बैंक का वीडियो बनाया था, उसके बारे में थोड़ी सी जरूरी बात कर लेते हैं आपके साथ। उसमें मैंने आई को इंडियन कह दिया था, एक कमेंट्स आया था मेरे पास, ये भी एक इसी सा वीडियो का हिस्सा है। कमेंट्स आया था मेरे पास कि सर आई का मतलब है इंडस्ट्रियल बैंक। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि आई का मतलब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल से रिप्रेजेंट हो रहा है IDBI, ठीक है। लेकिन मैंने उसको कह दिया था इंडियन बैंक, याद है ना, इंडियन डेवलपमेंट बैंक, मैंने इस तरह के वर्ड्स यूज करे थे। वो मैंने क्यों यूज करे थे वो व्हाट्सएप पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, कॉल में आपको सारी चीजें बता चुका हूं, तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। थोड़े से मेरे अपने खुद के पर्सनल व्यूज थे। मैं चाहता हूं कि IDBI साहब पूरे इंडस्ट्री को नहीं, साहब पूरे इंडियन को डेवलपमेंट करने का दम रखे। कुछ ये समझ जाया करो यार, कुछ चीजें ये वर्ड्स हैं जो आगे जब साहब अगर मेरी जो सोच है अगर उसी हिसाब से सरकार की सोच मैच हो गई तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है IDBI। तो इसीलिए मैंने इंडियन लगाया था उसको शुरू से पहले। मैं जानता हूं कि जो उसको रिप्रेजेंट आई रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंडस्ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है भैया वो, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, मेरे पर्सनल व्यूज थे। आप ये कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं क्यों लगा रहा हूं, ये आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। वैसे वो सारी चीजें मैंने व्हाट्सएप पे बता दी हैं। दूसरा कमेंट देखते हैं, सरकार ने सभी बैंकों का मर्जर क्यों नहीं करा। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार मेरे से पूछा गया है, भैया सरकार ने सभी बैंकों का मर्जर इसलिए नहीं करा, सरकार मर्जर की कार्रवाई कर रही थी 27 से 12 पे ले आई थी सरकार, लेकिन दोस्तों बीच में कोरोना काल आ गया, ये मर्जर की कार्रवाई रुक गई, ठीक है। पहली चीज, अब ऐसा नहीं होता कि हर किसी भी बैंक को उठा के किसी भी बैंक के साथ मर्ज किया जाए, सारी चीजें देखनी पड़ती है, वित्तीय स्थिति वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है कि किस बैंक, कौन सा बैंक किस बैंक का वित्तीय बोझ उठा सकता है, कौन सा बैंक किसी बैंक का वित्तीय बोझ उठा सकता है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। सारी चीजों की कार्रवाई चल रही थी, धीरे धीरे मर्जर की प्रक्रिया हो रही थी। जैसे PNB कह रहा था कि भैया मैं यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक का बोझ उठा सकता हूं, वित्तीय बोझ उठा सकता हूं, इसमें मेरे साथ इस बैंकों को मर्ज किया जाए, कर दिया जाए, सरकार ने कर दिया। लेकिन साहब ये कार्रवाई में थोड़ा समय लग रहा था, अब उस कोरोना काल बीच में आ गया और इसी कारण दोस्तों ये मर्जर की कार्रवाई रुक गई। अब दूसरा बड़ा कारण अगर मैं देखता हूं तो सरकार ने क्या पता किसी प्लानिंग के तहत इनका मर्जर अभी ना किया हो, बाद में इनको एक मर्जर के रूप में एक बहुत बड़ा बैंक भी सरकार बना सकती है, कोई बड़ा प्लेयर इसमें एंट्री भी ले सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो तो आपको बजट में जब बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल या आएगा उसमें सरकार कोई घोषणाएं करेंगी तब जाके ही पता चलेगा। अमूमन तो सारी चीजें संशय में ही है, जो हम सोच रहे हैं वो सिर्फ अपने पर्सनल व्यूज हैं और इनकी सत्यता कितनी है ये तो सिर्फ ईश्वर ही जानता है, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको अपने पर्सनल व्यूज बता दी कि कार्रवाई चल रही थी मर्जर की, बीच में कोरोना के कारण ये कार्रवाई रुक गई। मर्जर की कार्रवाई बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, बहुत सारी चीजें असेस क्वालिटी वगैरह देख के ही किसी बैंक के साथ किसी बैंक का मर्ज किया जाता है, तो ये मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये बड़ा अच्छा कमेंट है। इन्होंने कहा है कि सरकार ने साहब जो कल IDBI का आपने वीडियो बनाया था उस पर ये कमेंट्स आया था, जिसमें इन्होंने कहा है कि सरकार ने 26% परमिशन नहीं मांगी है, सरकार तो अपनी 80 से 90% पूरी हिस्सेदारी बेच रही है IDBI बैंक में, इसमें RBI से सुझाव मांगा है, परमिशन मांगी है, स्पेशल परमिशन, ये लोग कह रहे हैं कि स्पेशल परमिशन मांगी कि हम 80 से 90% बेच दें IDBI बैंक में अपना हिस्सा, ना कि 26%। तो भैया इसको आप निगेटिव रूप में देख रहे हो तो 80 से 90% हो रहा है, मैं इसको पॉजिटिव में देख रहा हूं तो साहब 26% किसी नए प्रमोटर की हिस्सेदारी आते हुए देख रहा हूं। बाकी सारी चीजें देखो अभी संशय है, मैं आपको कितना भी समझाने की कोशिश करूं, कितने भी स्पष्टीकरण दूं, आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, पॉजिटिविटी की मात्रा सीमित है।
तो ये एक कमेंट था, बहुत अच्छा कमेंट था, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और इसीलिए साहब मैं कहता हूं कि जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं वो रियल कमेंट्स उठाता हूं अपने इस वीडियो में जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और उनके आंसर देने की साहब मजा आ जाए, कुछ आनंद हो। बाकी जितने भी कमेंट्स होते हैं वो सब मैं आंसर देने की कोशिश करता ही हूं। साहब बात आती है नेक्स्ट कमेंट की कि LIC हैज अ इन्वेस्टर इन IDBI बैंक। बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्टर ये कि साहब जब LIC ने ही बचाया था IDBI बैंक को, वो इन्वेस्टर के रूप में आया था और इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट सेल ऑलमोस्ट मेजोरिटी स्टेक। जी हाँ दोस्तों, जब LIC की हिस्सेदारी IDBI बैंक में बढ़ाई गई थी उस समय IDBI बैंक को बचाया गया था। मेरी वीडियो भी बनाइए, आप जाके देख लीजिए कि सरकार ने LIC में अपना मेजोरिटी स्टेक बेच चुकी है। अब ये सवाल मेरी समझ से बाहर है कि सरकार मेजोरिटी स्टेक किस प्रकार बेच चुकी है, ये थोड़े से आप मुझे क्लियर करेंगे तभी मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। उनका पूछने का जो मकसद है वो मुझे समझ में नहीं आया। बगल में मैंने अंडरलाइन करके पोस्टर भी, मेरे ख्याल से ग्राफ भी लगा रखा है, वो जाके आप देख लीजिए। मुझे सिर्फ ये बात समझ में आती है कि हैज ए इन्वेस्टर है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, IDBI बैंक में साहब LIC हैज ए इन्वेस्टर है। और ये बात दूसरा क्वेश्चन जो कमेंट्स आपने किया है, गवर्नमेंट सेल ऑलरेडी मेजोरिटी स्टेक, गवर्नमेंट सेल ऑलमोस्ट मेजोरिटी स्टेक कैसे, ये सारी चीजें थोड़ा सा अगर आप क्लियर करेंगे तब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब देखिए साहब, चौथा जो कमेंट्स है वो ये है कि IDBI में जॉब कितनी सुरक्षित है। देखो दोस्तों, मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले बना रखी है इस पे, आप जाके उस वीडियो को देखिए, पूरी तरह सुरक्षित है। बहुत से बच्चे का ये क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर हमारी IDBI में PO के पद पर सिलेक्शन हुआ है, दूसरी तरफ RRB में क्लर्क के पद पर सिलेक्शन हुआ, हम किसको ज्वाइन करें। तो वीडियो देख लो, आपको सारे समाधान मिल जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। आपको जहां अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, जहां पैसा ज्यादा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, टारगेट मिल जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो देखो दोस्तों, माना कि थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाएगा लेकिन वो पैसा भी तो उसी हिसाब से ज्यादा है। RRB क्लर्क में थोड़ा पैसा कम है, IDBI बैंक के PO में थोड़ा पैसा ज्यादा है। तो आप बताइए कि आपको फ्यूचर कहां ब्राइट दिख रहा है। थोड़ी सी चीजें आपको भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। बाकी ये क्वेश्चन आया है मेरे पास, देखिए इन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा क्या है प्राइवेटाइजेशन को लेकर। सरकार की मंशा यार अभी भी मुझे पता नहीं चली कि सरकार प्राइवेटाइजेशन करेगी नहीं करेगी, क्योंकि मेरा मन कहता है कि ये प्राइवेटाइजेशन शायद मुश्किल है, नहीं होगा। ये जितनी खबरों का दौर लंबा खींचेगा उससे बहुत कुछ चेंजेस होने का दम दिख रहा है और वो चेंजेस हो भी रहे हैं। बैंक शानदार जानदार परफॉर्मेंस कर भी रहे हैं सरकारी बैंक। अभी भी रिसेंटली कल मैं डाटा देख रहा था, 32,000 करोड़ के आसपास की बैंकों ने साहब आय जनरेट की है। वो कितनी है, कैसे है, क्या है, वो एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। बने रहिए, बैंक सरकारी बैंक शानदार जानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मर्जर की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है अपेक्षा प्राइवेटाइजेशन की। अब ये कैसे होगा, कब होगा, ये कहना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी है दोस्तों। बिल आने दीजिए, बजट सेशन भी बहुत नजदीकी आ रहा है, नेक्स्ट मंथ से वो स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो सारी चीजें हम देख के ही कुछ निर्णय ले पाएंगे या कुछ निर्णय कुछ वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी ये जल्दबाजी होगी कहना बिल किस प्रकार का होगा, जो बजट में बिल आएगा वो किस प्रकार का होगा, यानी बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल जो बजट में सरकार लेके आएगी वो किस प्रकार का होगा। भैया अगर ये सारी चीजें मुझे पता होती तो फिर मैं आपको सारी चीजें वीडियो के माध्यम से डेफिनेटली बता देता। देखो दोस्तों, बिल में मैं बता रहा हूं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करेगी सरकार। मेन मुद्दा इसमें एम्प्लॉय का होगा, उसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक कम करती है, किस प्लेयर को हिस्सेदारी दी जाएगी, बाहर का कोई कंपनी होगी या अपने देश की स्वदेशी कंपनी होगी, ये सब चीजों को प्रकाश डाला जाएगा। बहुत सारी बारीक चीजें हैं होती हैं इसमें साहब, बैंकिंग संशोधन अधिनियम में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अध्ययन करना पड़ता है तब जाके कुछ साफ थोड़े से क्लू निकल के सामने आते हैं। तो जब तक बिल नहीं आता सब चीजें संशय में है। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि बिल कब तक और कैसा, बिल कब तक और कैसा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो भैया बिल शायद बजट में आए ना आए, ये भी कहना फोर्स मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। और बिल कैसा होगा ये तो साहब बजट में जब बिल पेश होगा, जब एक कॉपी हम लोगों के पास होगी तभी हम कुछ कह सकते हैं। बाकी ये सब चीजें संशय में हैं और संशय में ही अभी कुछ दिन और चलेंगी। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है
कि जब तक ये प्राइवेटाइजेशन की खबरें आ रही हैं और आती ही रहेंगी, तब तक इन बैंकों के हालात थोड़े से मुझे सुधरते हुए जरूर नजर आएंगे। आपको इसमें थोड़ी सी निगेटिविटी अपनी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो भी कंडीशन आपने देखी होगी मेरे वीडियो के माध्यम से, शायद आपने जाना भी होगा, अभी तक कोई ऐसी निगेटिविटी खबर नहीं आई है। मेरे ख्याल से किसी भी एक एम्प्लॉय की नौकरी नहीं गई है और आपको इतना सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। अब मैं वीडियो के माध्यम से कितना भी कहता रहूं, लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब बात जॉब की आती है ना, तो दिक्कत परेशानी हो ही जाती है। मैं भी समझता हूँ, ये बात मुझे भी थोड़ा सा हर्ट करती है। मैं भी ये बात सोचता हूँ कि बात अगर जॉब की आती है, प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही हो, तो जॉब कितना सिक्योर है नहीं है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा विचलित जरूर करती हैं। लेकिन ये एक ऐसा समय चल रहा है कि इस समय आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है खूब साफ। निगेटिविटी खबरों पर आपको ज़्यादा मेरे ख्याल से ध्यान नहीं देना है। बहुत सारी खबरें इस तरह की भी आएंगी कि अब हो के ही रहेगा, अब कोई नहीं बचा सकता, तो इस तरह की खबरों से आप थोड़ा सा दूर रहिए। सोशल मीडिया चल चुका है, सोशल मीडिया में आजकल आप जानते हैं किस किस तरह की खबरें आदान प्रदान होती हैं, इनसे थोड़ा सा हमेशा आपको बच के रहना चाहिए। ये पॉजिटिव खबरें आप देखनी चाहिए, निगेटिव से थोड़ा सा दूर रहिए। अभी तक एक साल हो गया, अभी तक जब कुछ नहीं हुआ, तो आगे ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। ईश्वर इनको मर्जी करेगा और फिर एक बड़ा जो सपना सरकार का है, जो मेरे साथ प्लान के साथ अगर मैच हो गया, डेफिनेटली जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ अगर वो चीज़ मैच हो गई, तो डेफिनेटली फिर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। और बिना बैंकों के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखना ये असंभव सा मुझे लगता है। जो भी कुछ आप अभी सुधार देख रहे हो कोरोना की विपत्ति के बावजूद, वो सब बैंकों के बिना अधूरा था, और आप लोगों ने इसमें साफ एक शानदार जानदार भूमिका अदा की है। ये आपके कुछ कमेंट्स क्वेश्चंस थे जो मुझे साहब बताने थे, मैंने आंसर्स आपको दे दिया। बाकी बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस के आंसर मैंने अपने व्हाट्सएप पे, अपने कॉल के माध्यम से, यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में, सब जगह मैंने आपको दे दिए हैं। तो मेरा लास्ट में यही आपसे कहने का मतलब है, कल से वीडियो जो आएंगी वो मार्केट रिलेटेड वीडियोज होंगी। बैंक प्राइवेटाइजेशन की वीडियो में 3 दिन बनाता हूँ, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और उनके जो कमेंट्स क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो मैं साहब आपके संडे के दिन को देने की करता हूँ कोशिश। तो 3 दिन अमूमन बैंक प्राइवेटाइजेशन की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, और अगर बीच में कोई न्यूज़ आ जाए तो बीच में भी आ जाती है एक आधी वीडियो मेरी बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर। तो निगेटिव से थोड़ी निगेटिव जितनी भी खबरें हैं, नकारात्मक जितनी खबरें हैं, इनसे थोड़ा सा दूर रहिए और साहब अपने आप को पॉजिटिव रखिए। मुझे आज्ञा दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की, मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।